वहां पर मेरे बारे में कोई मसला आ गया था, मतलब उन्होंने कहा कि तुम्हारा सारा भी कंजा होगा। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेरे व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। तो सीन कुछ यूँ था कि सुबह सवेरे नमाज के बाद तो मैं सोया नहीं, आज पता नहीं नींद नहीं आई। और नाश्ता वगैरह करके 10, 10:30, 11 बजे हुए तो मुझे नींद आ गई। मैं दोबारा सो गया और अभी मैं उठाऊँ तो अभी मैंने नमाज अभी तक नहीं पढ़ी, नमाज हो चुकी है। तो जाके पहले मैं नमाज़ पढ़ता हूँ और आज मेरी पढ़ाई भी करी, अपनी पढ़ाई भी करूँगा। और बस अभी शादी आगे आ रही है तो मैंने आपको कल भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ कि कुछ तैयारियाँ भी साथ साथ करनी होती है तो बस वो भी कर लूँगा। तो बस पहले नमाज़ पढ़ता हूँ और बस फिर अपनी पढ़ाई करने बैठता हूँ और फिर देखते हैं कि आज क्या करना है। नमाज़ मैंने पढ़ ली और मेरी पढ़ाई का टाइम हो गया और मेरी पता नहीं नोट सारे गड़बड़ हुए। मैं ये मैं आपको दिखाता हूँ, इनके हाल ही घर में पड़े पड़े इनका ये हाल हो गया। मतलब उठा के यहाँ से वहाँ रखते, वहाँ से यहाँ रखते, सारे उड़ गया, उड़ गए। तो पढ़ता हूँ इंशाल्लाह, फिर आपसे मिलता हूँ। कीड़े मकोड़े मैंने बनाए और काम इंशाल्लाह मेरा थोड़ा रह गया, इतना बहुत नहीं है बस। फिनिश। तो अभी पढ़ाई वगैरह करके मैं आके धूप में जरा टकोर लेने बैठ गया हूँ। सुबह वहाँ पर मैच खेला तो बस अभी और दोस्त भी बराबर होते, अपना कैरम बोर्ड खेलते हैं। और दूसरी बात, शादी की तैयारियाँ भी हैं तो इनके लिए भी सब्र। एक मिनट, हाँ तो शादी की तैयारियाँ भी है तो इसके लिए भी खुद को तैयार करना है ना, कुछ सौदा वगैरह मतलब कपड़े वगैरह तो ले लिए, कोट वगैरह और एक्सेसरीज लेनी है तो फिर वो भी लेंगे इंशाल्लाह। मैंने भी खुद को इतना तैयार किया, मैंने कहा चलो एक नए को पकड़ के चले जाऊँगा, ये कोट वगैरह भी ले लेंगे और पता लगे तो हम लोग तो प्रोग्राम है अभी। और दूसरा मसला ये है कि फारूक चला गया हॉस्पिटल और ज़ुबैर है नहीं, हो बस मैं फजूल रह गया हूँ अकेले का अकेला, तो इस वजह से प्रोग्राम तो वड़ गया। मतलब शादी करीब है, शादी सर पे है बन के, लेकिन पहनने को कुछ नहीं है इस एक दो करीबी की कोट के बगैर। तो पता नहीं इंसान क्या सोचता है, पता नहीं होता क्या है, जो अल्लाह चाहता है बस वो होता है। मैंने कहा आज वो शॉपिंग वगैरह कर लेंगे, बस वो भी नहीं हुआ। फिर मैंने कहा कि आज तो कंटेंट चेंज करता हूँ, ज़रा कुछ खाने की तरफ जाता हूँ, खाने का पार्टनर ही पैदा नहीं हुआ। और बस अभी मेहमान आ रहे हैं, कुछ कारी साहब मेरे एक आ रहे हैं तो उनका कोई काम था तो उनको मैंने कहा मैं जो, लेकिन वो कहते बस हम आते हैं तो वो भी आ रहे हैं। तो बस सर उनके पास थोड़ी देर बैठता हूँ और देखता हूँ बाल ही मेरे बड़े हो गए, बस ये बाल भी कटवाने जाता हूँ क्योंकि शादियों का सीज़न है ना। शादियों के सीज़न को हर बात में हाईलाइट करने का मतलब ये है कि शादियों का सीज़न है। तो ये बात मैं सिर्फ अपने वालिदैन से करना चाहता हूँ कि शादियों का सीज़न है। तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। तो मैं अभी दोस्तों की तरफ पूछा तो दोस्तों घर में नहीं, अभी पता लगा जुमेरात का दिन सफाई थी, आज फिर सफाई के लिए नहीं गया, मैं कसम से भूल गया था। तो बस बाल कटवाता हूँ इंशाल्लाह, फिर आपसे मिलता हूँ। तो वहां पर मेरे बालों में कोई मसला आ गया था, मतलब उन्होंने कहा कि तुम्हारा सारा भी कंजा होगा। तो बस मैंने कहा अब क्या करूं, मैंने कहा सर कंजा कर देंगे, वहाँ पर टक लग गया था गलती से। तो मैंने मशीन फिरवाई है लेकिन कोई हल नहीं निकला, और बस इस वजह से बस मैंने कंजा कर दिया। मैंने कहा चलो खैर दोबारा से बाल निकलेंगे, कोई टेंशन नहीं। मैंने एक वेग लगाया, मैंने वेग लगाई, देखिए कुछ हद तक बस अच्छे लग रहे हैं वैसे इतने बस खास नहीं लग रहे, लेकिन बस बहुत हद तक अच्छे लग रहे हैं क्योंकि वेग ज़रा मैंने महंगी वाली ली है। मैंने कहा बस बाल फिलहाल के लिए लगा लूँ, जब निकलेंगे तब बस हो जाएगा काम इंशाल्लाह। तो मैं खाना वगैरह खाता हूँ, बस अभी थक आया हूँ, ज़रा नहा भी लूँगा और खुद को फ्रेश करते फिर इंशाल्लाह फिर आपसे मिलता हूँ। A few inches later, मैं बिल्कुल नहा के फ्रेश हो गया हूँ और ये वेग मेरी बिल्कुल जबरदस्त फिट आ गई है। चुप कर बे कुत्ते। तो बस काम मेरा अच्छा बन गया। और शाम नहाने का मकसद ये होता है कि बंदा ज़रा सुबह उठूँगा और फिर जुम्मे का दिन होगा और जल्दी जल्दी नहाना, बस जुम्मे का दिन स्टार्ट है, नहा लो खत्म। और एक तो मैंने ये ड्रिंक लिया जो मैं बता सकता हूँ कि जो अमीर लोग होते हैं ना वो ये पीते हैं। कुछ पूछा मैंने कुछ मतलब वो गरीब जो होते हैं स्टिंग
Pepsi. I don't like that. इंग्लिश मेरी अलहमदिल्ला बड़ी इम्प्रूव है, तो ये अमीर लोग पीते हैं। तो वैसे मुझे इंग्लिश के ग्लव्स बोले हैं, तो मैं खुद मुझे पता नहीं क्या बोला है, लेकिन बोल दिया मैंने, खुद से मैं बड़ा इंप्रेस हुआ अलहमदिल्ला। तो उस व्लॉग को यहीं सेंड करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको व्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए लाइक सब्सक्राइब शेयर, मिलते हैं कल, वेक भी कल बार के धो लूँगा। अल्लाह हाफिज़।